जो है तकरीबन सारा दिन होती रहती है, इसलिए फिर लहरों का फ्लो बहुत तेज़ होता है, हवा बहुत तेज़ है, बस हमारी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, सो सैड। चलो फिर इसके बाद जी जब टीचर करवाने जाएंगे, अभी मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी हूँ क्योंकि मौसम बहुत अच्छा है, इतना घूम फिर के हमने ब्रेकफास्ट पैदल करने गए थे, पैदल चल के अब हमने बग्गी आजकल नहीं मंगवा रहे क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, दिल कर रहा मैं पैदल जाऊँ पैदल आऊँ, बहुत अच्छा विंडी वेदर है और गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, बहुत फिट मौसम जैसे कहते हैं, बिल्कुल फिट। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जो है हमारा लास्ट डे है क्योंकि परसों हम जा रहे हैं, और आज जो है हम एक लेटर आया सुबह सुबह ही कि आपका 2 से 5 बजे के दरमियान PCR टेस्ट है और आप लोगों ने PCR टेस्ट करवाना है क्योंकि हमारी फ़्लाइट है 18 को, तो हमें करवाना है। एक तो जब से मैं आई हूँ, हमारा टूर था यहाँ पर, प्लान था, तब से हमारे PCR टेस्ट होते जा रहे हो, जो पाकिस्तान से हमारे तकरीबन 2 हुए, एक रैपिड हुआ एक रेगुलर हुआ एक एयरपोर्ट में भी हुआ, फिर उसके बाद जो है हमारा दुबई एयरपोर्ट में भी उन्होंने फिर जब फ्लाइट हमारी लैंड की तब फिर लिया, फिर उसके बाद जब हमने मालदीव से लेना था फिर PCR टेस्ट हो, अब वापस पे फिर होगा आई थिंक दुबई से फिर हमारी क्योंकि कनेक्टिव फ्लाइट है, फिर वहाँ से फिर होगा, तो बहुत PCR टेस्ट हो रहे हैं। अगर कोई टूर प्लान कर रहा है और डरता तो PCR, तब तक मुझे नहीं लगता था कि इतने टेस्ट होंगे, मतलब एक बार ले लो इनफ है, एक बार आने का एक बार जाने का बस, खैर। और उसके बाद जो है मुझे दुख इस बात का है कि जब से मैं आई हूँ ना, हम आए हैं हम तब से प्लान करें, हमारा 10 डेज़ का प्लान था ना यहाँ पे, एक दिन भी हमारी यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये कॉज ऑफ ये विंडी वेदर, और रोज़ अब तकरीबन ऑलमोस्ट 4 to 5 डेज़ हो गए रोज़ यहाँ पे बारिश होती है, तकरीबन 24 घंटे होती है लेकिन लाइट होती है, जिसकी वजह से हवा और बारिश की वजह से पानी का फ्लो बहुत प्रेशर तेज़ हो रहा है, और वो कह रहे हैं हम कोई एक्टिविटीज़ का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ना वो सारी ऑलमोस्ट पानी में है, ना स्कूबा डाइविंग ना जेट स्की फन ट्यूब सब कुछ कुछ भी नहीं हो रहा, मेरा इसकी वजह से मूड बहुत ख़राब है। हमारे पास बस एक दिन बचा 17 डेज का बीच में, तो अल्लाह करे वो हो जाए उस डेट में। वो कह रहे हैं कि थोड़े बहुत चांसेस है लेकिन रिस्क नहीं ले सकते, वैसे करना चाहें तो कर सकते हैं, ओशन में नहीं जा सकते बस पास पास बीच में, लेकिन ये इतना मज़ा नहीं आएगा, हमने करना है तो ओशन में जाएं। चले फिर ठीक है, नेक्स्ट टाइम सही, बस ये है। और बाकी मैं आपको वेदर दिखाती हूँ, वेदर है तो बहुत सीन। आजकल जो है हम बिल्कुल ब्रेकफास्ट करने के लिए पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं क्योंकि इतना अच्छा मौसम है, बिल्कुल गर्मी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है और बहुत विंडी वेदर है, आपको हवा से पता चल रहा होगा, आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको मौसम दिखाती हूँ, फिर इसके बाद जो है PCR टेस्ट करवाने जाना, तो फिर बाद में मिलते हैं। It's okay, it's not that difficult. I would have put that deep. Lower your tongue. Yeah, because the thing is, this fishing excursion, these are the scheduled trips. So the next one will be on. यहाँ एज़ यूजल बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इसलिए बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने म्यूट करके वॉइस ओवर कर रही हूँ। हम जा रहे हैं फाइनली, आज हमारी बुकिंग हो चुकी थी, हम एक्टिविटी के लिए हमें टाइम मिल गया कि आज वेदर थोड़ा अच्छा है, वेदर को हम पे रहम आ गया है, फिर इसलिए हम जा रहे हैं। और मैं सबसे पहले हमने जो करनी है वो हम करेंगे, सबसे पहले स्कूबा डाइविंग, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप लोगों हम लेकर जाएंगे फ़िशिंग में, तो सबसे पहले वो हमें वो कॉस्ट्यूम देंगे, हम कॉस्ट्यूम पहनने के बाद फिर वो हमें लेकर जाएंगे डाइविंग के लिए। तो हम रेडी हैं और हमने कॉस्ट्यूम पहन लिया, यहाँ पे हमें वो ट्रेनिंग दे रही है कि आपने कैसे अंदर जाके इनहेल और एक्सहेल करना है। जो लोग पूछ रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम स्कूबा डाइविंग की थी, तो मैं रियली बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ना पानी का फोबिया, जिन लोगों को पानी का फोबिया वो हरगिज़ ना ले, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ये है कि मज़ा भी बहुत आया लेकिन बहुत डर लगा मुझे।
45 मिनट की थी ये हमारी एक्टिविटी। 45 मिनट्स में बहुत ज़्यादा डरी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। अंडर वाटर की हमें एक नई दुनिया होती है जो मुझे देखने की नई नई चीज़ें मिली। जो लोग नहीं, जिनको पानी का फोबिया, वो लोग जा सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको बिल्कुल साथ रहते हैं, ट्रेन करते हैं, आपको हौसला होता है बिल्कुल साथ का। तो सेकंड जो हमारी एक्टिविटी थी वो है फ़िशिंग। तो हम अब जा रहे हैं फ़िशिंग के लिए। कॉस्ट्यूम वगैरह हमने चेंज कर लिया था, इन्होंने हमारे शूज़ जो है वो बाहर ही रखवा दिए थे। तो फ़िशिंग के लिए सिर्फ हम दो तीन फैमिलीज़ अलाउ थी एट अ टाइम, मतलब तीन फैमिलीज़ में भी आपको दो दो मेम्बर। तो इस टाइम पे हमने फिर आज का डे हमें था कि मिल गया, शुक्र है, क्योंकि पहले तो मौसम की वजह से फ़िशिंग भी नहीं थी कि, और हमें उम्मीद थी कि अल्लाह करे हमें फ़िश मिल जाए। अब देखते हैं फ़िश मिलती है कि नहीं। चुका था बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि हमने ने बहुत बड़ी गलती की थी कि हमें स्कूबा डाइविंग के बाद कोई एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने कर ली। क्योंकि यहाँ पे फिर ये था कि स्कूबा डाइविंग के करते के बाद हमारे मुंह पे काफ़ी जो है समंदर का नमकीन पानी गया था, और हम अंडर वाटर गए थे तो आपको पता है, फिर हम जब ये बोटिंग की, बोटिंग में हम काफ़ी हिल रहे थे, इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। बोटिंग जो है वो बहुत हवा का प्रेशर था, ये आपको पता चल रहा होगा आवाज़ से, तो इतना प्रेशर था इसलिए हमारी कंटिन्यूसली हमारी इस तरह लाइक आपको एक स्विंग हो रहे हैं आपकी बॉडी बिल्कुल, तो फिर इसलिए हमारी इतनी तबीयत ख़राब हुई, इतनी ज़्यादा मुझे इतना नोज़िया हुआ कि बस उसके बाद फिर बहुत बुरा हाल हुआ, हम सही से इंजॉय नहीं कर सके। इसलिए हमने, मैंने तो फ़िशिंग बिल्कुल नहीं की, मेरे हस्बैंड ने ट्राई की फ़िशिंग के लिए, लेकिन उनसे फ़िश जो है पकड़ी नहीं गई। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि बस फिर मैं कॉर्नर में बैठी रही और पकड़ के मैंने ट्राई नहीं की। ट्राई कर रही थी कि साथ साथ वीडियो भी बन जाए, मैं फ़िशिंग भी करते हुए रिकॉर्ड कर लूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा था क्योंकि आपके एक हवा का प्रेशर इतना, आप प्रॉपर पूरे आप खुद ही हिल रहे हैं, और फिर मोबाइल के साथ फिर और दूसरे खाने फिशिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती, लेकिन मुझे वीडियो जो है सही से रिकॉर्ड नहीं, इसलिए जितनी हो सकी मैंने रिकॉर्ड की है। तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी, मतलब अगर आप जाएं तो आप ट्राई यही कीजिएगा कि मतलब एक दिन में एक एक्टिविटी हो, लेकिन हमारे पास टाइम कम था, जैसे कि मैंने बताया हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि मौसम की वजह से हमारे पास वन डे रह गया था, इसलिए हमने सोचा कि एक ही दिन में सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो इसलिए हुआ। वरना आप स्कूबा डाइविंग जिस दिन करें उस दिन आप ट्राई कीजिए, कोई भी और एक्टिविटी ना करें। Leaves the house.
रिलैक्स कर रहा था लाइक क्योंकि अब सिर्फ एक कपल है जिनसे फ़िशिंग हुई थी, जिससे फ़िश पकड़ी गई थी, हमसे तो हो नहीं रही थी क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और बाकी किसी से और से नहीं, क्योंकि फ़िशिंग हो या ना हो लेकिन बोटिंग जो है वो किसको नहीं पसंद, मज़ा बहुत आता। लेकिन हमने भी बहुत इंजॉय किया, वेदर बहुत अच्छा था और बोटिंग तो वैसे ही हर किसी को पसंद है, लेकिन बस बात यह है कि हमने इतनी ट्राई नहीं की। लेकिन उनसे जिन्होंने फ़िश पकड़ी उन्होंने कहा था कि आप इसको बना कर मतलब के फ्राई करके जैसे भी कुक करके आप खा सकते हैं तो ये फ़िश भी आपकी होगी। लेकिन हमसे तो पकड़ी भी नहीं गई और ऊपर से हमारी तबीयत बहुत ख़राब थी, हमें था कि बस हम जल्दी से वापस अपने विला में चले जाएं। तो ये है सी प्लेन यहाँ पे, अब दोबारा मैं इसलिए रेडी हो रहा है फ्लाई करने के लिए। फाइनली हम अपने स्पॉट की तरफ पहुँच चुके हैं, अब हमने जाना है बस अपने विला की तरफ, रेस्ट करेंगे फिर इसके बाद जो है वो डिनर करेंगे। आज हमने सोचा था बिल्कुल डिनर नहीं करेंगे लेकिन फिर रात को हमने सोचा कि टाइमिंग यही है फिर इसके बाद आपको डिनर नहीं मिलेगा, फिर इसलिए हम चले गए। हमने सबसे पहले सूप पिया क्योंकि हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। तो फाइनली हमारे आज का डे का व्लॉग एंड हुआ। आपने क्या करना है, मेरे वीडियो को हमेशा की तरह शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।